ऑटोमोबाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो पार्ट टू में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने सीरीज बना के रखा है प्लेलिस्ट में, जो मैंने ऐड करके रखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने 2018 में बनाया है तो वो 18 के लिए ही वैलिड था, अब नहीं वैलिड है, ऐसी बात नहीं है। मैं अब क्वेश्चंस आप देखते हो, मैं कोशिश करता हूँ कि उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं, और एक्चुअली जिनका क्वेश्चन एज एजुकेशन जो क्वेश्चन पूछनी भी चाहिए वैसे क्वेश्चन का मैं लिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता एग्जाम्स में क्या आएगा, सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के टाइम्स पे काफी स्टूडेंट तैयारी वगैरह करते हैं तो वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो एग्जाम्स के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ो, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप रेडी कर लोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चैप्टर वन चेसिस एंड बॉडी इंजीनियरिंग, चैप्टर टू स्टेयरिंग सिस्टम, और चैप्टर थ्री ट्रांसमिशन सिस्टम, ये तीनों चैप्टर चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री के नाम से ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और ऊपर में मैं आई बटन में भी वो ऐड कर दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप वन टू और थ्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हो। नाउ इस लेक्चर में मैं आपको बाकी के जो तीन चैप्टर हैं ऑटोमोबाइल के उनको कवर करूंगा। सबसे पहले आप देखिए सस्पेंशन सिस्टम, इसको देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सस्पेंशन सिस्टम में, तो ओवरऑल मैंने 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने काफी बार पेपर्स और भी पेपर्स मैंने देखा, और मैक्सिमम यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस चैप्टर से इनके अलावा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जिनको आई थिंक एग्जाम में पूछा जाए। एज ए नॉलेज आप पढ़ सकते हो, बट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वो सब क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन है मैंने निकाला है ढूंढ ढूंढ कर, समझ लीजिए मैं 5 6 साल 8 साल 10 साल के पेपर से मैंने देखा उसको, समझा, और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, क्लियर है। तो ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये 10 क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, बाकी अगर आपको डाउट वगैरह होता है एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा इसके अलावा भी टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, मना नहीं है, बट ये 10 क्वेश्चन मैं बोलूंगा एक बार जरूर पढ़ लेना। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, ये सब मैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं ऐसे बस क्वेश्चन आपको दिखाकर नहीं छोड़ने वाला, मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखोगे, डेजिग्नेट द टायर विद एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्यूब्स एंड ट्यूबलेस टायर। तो मैंने टायर टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये, बाकी मैंने सस्पेंशन सिस्टम पे पूरे टॉपिक पे सस्पेंशन इस चैप्टर पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे ऑटोमोबाइल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको वहां से, बस मैं टायर पे क्वेश्चन नहीं वीडियोज नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो डेजिग्नेट द टायर विथ एग्जाम्पल, टायर कहाँ है, कैसा यूज करते हैं, उसके मटेरियल कौन से होते हैं, कितने लेयर से टायर रेडी करते हैं, ये सब आपको लिखना है। तो इजिली आप दो चार एकाध कोई बुक्स में या फिर इंटरनेट में सर्च मारोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नीड ऑफ सस्पेंशन सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, तो सस्पेंशन सिस्टम का पहला ही वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपके इसका डिटेल मिल जाएगा। व्हाट इज ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक, हाउ इट कैन बी डन, इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक मतलब ब्रेक में जो एयर वगैरह आ जाता है ब्रेक लाइनिंग में, तो उसको हटाने के लिए, अदरवाइज ब्रेक आपकी नहीं लगेगी, तो उसको हटाओगे तो ही ब्रेक अच्छी लगेगी। तो ये था ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक, और कैसे करते हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पावर ब्रेक, पावर ब्रेक क्या होता है, एक्सप्लेन। न्यूमेटिक पावर ब्रेक, ओके। दो टाइप के पावर ब्रेक जनरली मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलिक पावर ब्रेक और न्यूमेटिक पावर ब्रेक ब्रेक, और एक और बताया था मैकेनिकल पावर ब्रेक। मैकेनिकल पावर ब्रेक में लिंक वगैरह रहता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर ब्रेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें से भी हमारा फोर्थ वन, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ब्रेक, एक्सप्लेन न्यूमेटिक पावर ब्रेक, ठीक है। न्यूमेटिक पावर ब्रेक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टायर एंड ट्यूब। तो ये आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन वन और क्वेश्चन सिक्स लगभग सेम है, जब आप इस टॉपिक को खोलोगे तो आपको इस दोनों का आंसर वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। सिक्स है मैक पिस्टन टाइप एंड विजबोन टाइप स्टर्ट सस्पेंशन सिस्टम। स्टर्ट एक्चुअली जो सस्पेंशन वाला पार्ट है ना उसको ही स्टर्ट कहते हैं, ठीक है। और उसमें मैक पिस्टन टाइप और विजबोन टाइप, ये मैंने वीडियो बनाया है, जल्दी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है हाउ हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम वर्क, ठीक है। न्यूमेटिक पावर ब्रेक जो मैंने बताया था सेम, उसमें भी मैंने हाइड्रोलिक पावर ब्रेक बताया था, उसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे है वो सब मैंने वीडियो में बताया है, आप इजिली देख देख कर उतना ही लिख दोगे
काफी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर, इस पे थोड़ा सा आप वीडियो देख लेना मास्टर सिलेंडर कैसे काम करता है। आई थिंक मैंने जब आपको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक बताया उस टाइम ही आपको बता दिया था कैसे मास्टर सिलेंडर काम करता है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी लिख लेना, क्योंकि टू सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर मास्टर सिलेंडर भी होता है, डबल सिलेंडर मास्टर सिलेंडर भी होता है, तो दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख दोगे काम हो जाएगा। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक एंड एबीएस, ये दो टाइप के ब्रेक आपको पढ़ना है। सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक मतलब क्या हुआ, ड्रम ब्रेक की बात हो रही है, और एबीएस के बारे में थोड़ा सा आप देख लेना, इस पे वीडियोस बना चुका हूं मैं, आप जाके चेक करो, ठीक है, ऑटोमोबाइल प्लेलिस्ट में। एक्सप्लेन एंड वर्किंग ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम, वैसे और भी सस्पेंशन सिस्टम है बट मैंने देखा काफी बार टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम ही पूछा जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए कंसिडर किया है। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से निकाला है, तो इसको तो आप जरूर ही पढ़ना, क्योंकि अगर आप स्पीड में, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, गारंटी दे रहा हूँ आप अटेंड कर लोगे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन को बस अच्छे से कंप्लीट करना। अगले चैप्टर पे आते हैं, अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम। तो 9 क्वेश्चन को मैंने ओवरऑल इसमें से निकाला है, ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो कॉमन है, एक टॉपिक पढ़ोगे उसमें 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अलग अलग इसलिए लिखा हूँ ताकि एक में भी मैं कर सकता था, उसको अलग अलग मैंने बांट दिया। मैं जैसे बता रहा हूँ, हाउ सोलोनाइट स्विच वर्क, क्वेश्चन नंबर 1, बेंडिक्स स्टार्टिंग मैकेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 4, और स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1, ये तीनों एक ही टॉपिक, एक ही वीडियो में बनाया हूँ, जल्द ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो एक ही टॉपिक में ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाउ सोलोनाइट स्विच वर्क, सोलोनाइट स्विच कैसे, आप बचपन से पढ़ रहे होगे सोलोनाइट मतलब क्या था, एक कंडक्टर पे आप ऐसे लपेट दो कॉपर वायर और उस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो मैग्नेट की तरह काम करता है, वही है हमारा सोलोनाइट स्विच। लेकिन स्टार्टिंग सिस्टम में कैसे काम करता है वो आप एक बार देखना वीडियोस की। डिस्क्राइब टिपिकल लाइटिंग सिस्टम फॉर अ मॉडर्न व्हीकल एंड डिस्क्राइब इट्स ऑपरेशन। तो जो मॉडर्न व्हीकल्स वगैरह में लाइटिंग लाइट वगैरह जो करते हैं, इंटरनल लाइट या एक्सटर्नल लाइट, वो सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी थोड़ी बहुत वायरिंग आपको बनानी होगी, जल्दी आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी। एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में ईसीयू वगैरह कहाँ कहाँ माइक्रो प्रोसेसर के यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना होगा। बेंडिक्स स्टार्टिंग मैकेनिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंडिक्स स्टार्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये इसी क्वेश्चन 8 का ही टॉपिक है, बट अलग से इसे लिखा क्योंकि अलग से ही मैक्सिमम टाइम ये पूछता है, ठीक है। व्हाट डू यू बेंडिंग स्टार्टिंग मैकेनिज्म, जो गाड़ी को जब स्टार्ट करते हो, की को स्टार्ट करते हो, तो उससे जो इंजन स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्ट ड्राइव है उसी को बोलते हैं बेंडिंग ड्राइव या बेंडिंग स्टार्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल एंड अनशेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल। तो शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है, अनशेड्यूल मेंटेनेंस क्या होता है ऑटोमोबाइल का, ये तो आप बेसिक्स, आप आपके पास बाइक वगैरह हो तो आप जान ही सकते हो इसके आंसर, ठीक है। वर्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अच्छा लीड एसिड बैटरी, यस लीड एसिड बैटरी के बारे में मैंने अच्छा खासा वीडियो बनाया है, प्लीज उसको देखना, अच्छे से समझना, उसके जो मैंने कंपाउंड्स वगैरह लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, उसको भी देखना, काफी उतना लिख दोगे काफी है एग्जाम्स के लिए। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज इन हेड लैम्प डिजाइन। ओके, तो अपनी व्हीकल्स की जो हेड लैम्प होती है उसके डिजाइन के और उसके रिफ्लेक्टर कौन से मटेरियल का होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना। व्हाट इज नीड ऑफ स्टार्टिंग ड्राइव, ठीक है, स्टार्टिंग ड्राइव की जरूरत है, बिना भाई अब ऑटो 4 व्हीलर में आप थोड़ी ना किक मारोगे, 4 व्हीलर व्हीकल में आप थोड़ी किक मार के स्टार्ट कर लोगे इंजन को, भाई उसको तो इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करनी होगी विद द हेल्प ऑफ स्टार्टिंग मोटर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वाइपर एंड हॉर्न इन ऑटोमोबाइल। तो वाइपर और हॉर्न कैसे हमारे ऑटोमोबाइल में काम करता है, उसके कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग, तो मैक्सिमम यही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, मतलब कहना का ये मतलब है कि किसी भी ऑटोमोबाइल के इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, या कंट्रोल सिस्टम, तो आप बता सकते हो यार इजिली कि स्टार्टिंग मोटर हो गया आपका, ईसीयू हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वाइपर के लिए जो मैकेनिज्म है वो हो गया, हॉर्न मैकेनिज्म हो गया, लाइटनिंग के लिए मेन कंट्रोल सिस्टम, यही सब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। नाउ तो लास्ट यूनिट देखते हैं इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड चैप्टर 5, ये था चैप्टर 6, इमिशन स्टैंडर्ड एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो ओवरऑल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से निकाला है, आप देख सकते हो। स्टेट अबाउट फ्यूल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ओके अब ठीक है। तो स्टेट अबाउट फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन में।
तो आप इसकी आपके पास बुक्स वगैरह है या फिर नेट में बस डायरेक्ट इतना सर्च मारो, आपको मिल जाएगा। दो तीन नॉर्म्स के बारे में पढ़ लेना काफी है, ठीक है। ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट यूरो इमिशन नॉर्म्स, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 4, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, सबके बारे में। बट ज्यादातर देखो 8th क्वेश्चन देखोगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूरो 1 इन यूरो 2, भारत 1 एंड भारत 2, इस पे ही क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं। तो कोशिश करना इनको अच्छे से पढ़ने की, ठीक है। व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या है भैया कैटालिटिक कन्वर्टर? आपके 4-व्हीलर या आपके 2-व्हीलर में जो अपना, जिसको आप बोलते हैं ना साइलेंसर, तो आवाज कम हो। कैटलेटिक कन्वर्टर काम क्या होता है? एक तो नॉइस को, नॉइस पोल्यूशन को कम करे, एज वेल एज जो कार्बन पार्टिकल निकलते हैं, एयर पोल्यूशन, जो धुआं निकलता है आपकी व्हीकल से, एस वगैरह, उसको कम करे, ठीक है। तो उसके बारे में, उसमें भी 3-वे कैटलेटिक कन्वर्टर के बारे में, तो ये एक बार आप देख लेना। वर्किंग ऑफ इंटेक मैनफोल्ड रिटर्न पीवीसी सिस्टम, तो ये आपको मिल जाएगा, आप ये चैप्टर जहां से पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन ही काफी बार पूछा गया है इसलिए लिखा हूँ मैनफोल्ड सिस्टम का, ठीक है। एक्सप्लेन रोल ऑफ चारकोल कैनिस्टर इन रिड्यूसिंग नॉन एग्जॉस्ट इमिशन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप जरूर देखना, ठीक है। व्हाट इज क्रैंक केस ब्लो बाय एंड हाउ इट इज कंट्रोल्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन नीड एंड वर्किंग ऑफ कंट्रोलिंग नॉक्स फॉर्मेशन, तो क्या जरूरत है और क्या वर्किंग प्रोसीजर है फॉर नॉक्स फॉर्मेशन का, ठीक है। एंड लास्ट वन इज राइट शॉर्ट नोट्स इन यूरो 1, यूरो 2, भारत 1, भारत 2। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम टाइम मैंने देखा कि पेपर्स में भी यही 8 क्वेश्चन में से ही बनता है, इनके अलावा हटकर कुछ और नहीं बनता है, क्लियर है। तो आई थिंक आप ये सब रेडी कर लोगे जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है। बाकी के जो चैप्टर 1, 2, 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आई लिंक में ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप देख सकते हो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू। सो वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, और आप कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के चाहिए तो आपको अवेलेबल, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कराने की। और जो भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस मेरे ऐड हैं, वो ऐसा नहीं 2018 में मैंने बनाया तो 2017 में बनाया तो उसी टाइम का है, आप वो देख सकते हो, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज कवर किया है, तो मतलब उस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।